हेलो दोस्तों, मूवी एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज सैंडमैन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है जिसका नाम सैंडमैन है और इसके कुल 10 एपिसोड हैं और सारे एपिसोड का लेंथ लगभग 45 मिनट है। मतलब अगर आप ये सारे एपिसोड एक साथ देखना चाहोगे तो 9 घंटे में आप देखकर खत्म कर सकते हो। और अगर आप मेरी तरह एक रात में देखकर सारे एपिसोड खत्म करने वालों में से है तो फिर बात तो अलग ही है। यह एक डार्क फैंटेसी सीरीज है जो बेस है डीसी की वन ऑफ द डार्केस्ट कॉमिक बुक सैंडमैन द मास्टर ऑफ द ड्रीम पर। बात करें इस सीरीज की स्टोरी की, तो स्टोरी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि मुझे सुपर हीरो और मैजिक वगैरह वाली मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई। तो स्टोरी में होता क्या है कि सैंडमैन चार भाई बहन होते हैं, डेथ, डिजायर, डेस्पियर और ड्रीम। और सीरीज में ड्रीम को ही सैंडमैन का नाम दिया गया है। इन सभी को आप एक तरह से गॉड लेवल बींग मान सकते हो क्योंकि ये मरते नहीं हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोग डेथ को काबू में करना चाहते हैं, लेकिन गलती से ड्रीम उनके कब्जे में आ जाता है और वो लोग ड्रीम को लगभग 100 साल तक कैद करके रखते हैं, जिसके वजह से ड्रीम का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। और ड्रीम को कैद करने के वजह से दुनिया में भी काफी ज्यादा उथल पुथल मच जाती है। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा डार्क है, अगर आप देखो तो सच में काफी ज्यादा पसंद आएगी आपको। अब डीसी की कॉमिक है तो डार्क तो रहेगी ही ना, और इस सीरीज का विलन भी काफी ज्यादा आपको पसंद आएगा। मुझे उसका विलन बहुत ज्यादा पसंद आया। कांचा चीना का एक डायलॉग है ना कि आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, तो इसका विलन वही करता है। सैंडमैन सीरीज का CGI और VFX भी काफी फार लेवल के थे, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आए। इस सीरीज में लूसीफर को भी दिखाया जाता है, मगर लूसीफर को देखकर मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि मैंने नेटफ्लिक्स की जब लूसीफर वाली सीरीज देखी थी तो उसमें उसे कुछ अलग ही रूप में दिखाया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा अजीब ही टाइप का दिखाया गया है। इसमें लूसीफर और सैंडमैन जब फाइट करता है वो फाइट काफी ज्यादा एपिक थी। मुझे वो फाइट काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि मैंने वैसा फाइट आज तक किसी सीरीज या मूवी में नहीं देखा है। तो फाइनल विचार, क्या आपको यह सीरीज देखना चाहिए? तो अगर आपको सुपर हीरो सीरीज या मूवीज पसंद है तो आपको यह सीरीज एक बार जरूर देखना चाहिए। यह सीरीज भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज का हैंगओवर आपको 2 से 3 दिन तक जरूर रहेगा और आप इस सीरीज के बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक पाओगे। तो बिंदास होकर देख लो, ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।